दरभंगा जिला के बिरोल प्रखंड के बलिया रोड स्थित पानी टंकी के परिसर में राजद महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष आभा देवी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून के नेतृत्व में प्रखंड के सभी पंचायतों के महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में प्रखंड के संगठन पर विचार विमर्श हुआ एवं सर्वसम्मति से प्रखंड स्तरीय कमेटी का विस्तार किया गया। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से राजद महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम मणि शर्मा, प्रदेश महासचिव चंद्रावती देवी तथा राजद की सक्रिय नेत्री ज्योति सिंह, अनुसूचित जाति की प्रदेश सचिव रेखा देवी उपस्थित थी। बैठक में बिरोल प्रखंड के पंचायत के राजद महिला प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्टी विस्तार बैठक किया गया। साथ ही आभा देवी को प्रखंड अध्यक्ष बनने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी पंचायत अध्यक्ष को 15 दिनों के अंदर सभी बूथ पर बूथ कमेटी का गठन करने को कहा है। वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी उपस्थित महिलाओं को राजद का हाथ मजबूत करने का आग्रह किया। प्रखंड अध्यक्ष को उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पंचायत में जाकर बूथ कमेटी की मनोनीत करना है एवं सहयोग करना। राजद के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रभारी दरभंगा एवं मधुबनी श्रीमती पूनम मणि शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए आह्वान किया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है ताकि महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके। वही महासचिव चंद्रावती देवी अपने भाषण में कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होगी। सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव ने तेजस्वी यादव एवं राबड़ी जी के हाथ मजबूत करने का आग्रह किया। वहीं पर क्या नाम हुआ मैडम आपका? यास्मीन खातून हमारा नाम हुआ और राष्ट्रीय जनता दल से महिला प्रकोष्ठ के दरभंगा जिला के अध्यक्ष हुए। और यहाँ पे हम लोग बिरौल में आज जो है आए हैं और हमारे प्रदेश से प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुई हैं, जिसमें एक पूनम मणि शर्मा जी हैं, एक चंद्रावती जी हैं। और यहाँ पे हम लोग आए हैं प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करने के लिए, जिससे प्रदेश से हमारी नेत्री को भेजा गया है निरीक्षण के लिए कि यहाँ में वाकई में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन गठित हुआ है कि नहीं। उसके लिए सभी पंचायत अध्यक्ष के साथ अभी हम लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारी सभी पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर उपलब्ध हैं और आप इस चीज़ को भी आप भी देख पा रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश से पूनम मणि शर्मा जी आई हुई हैं, चंद्रावती जी अभी एक रास्ते में हैं, वो आ ही रही हैं। और इसको संगठन को किस तरीक़ा से हम लोगों को बूथ लेवल तक ले जाना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमको बूथ पर कैसे काम करना है, कैसे बूथ तक हम लोगों को जो है संगठन को गठित करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन महिला हमारी किस तरीक़ा से सक्षम है काम करने में और हमारी महिलाएँ वाकई में संगठन को घर स्तर पर किस तरीक़ा से ले जा रही हैं। उसके बाद जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, आगे का जो हम लोगों का बूथ लेवल तक है, वो हम लोग काम को करेंगे। ये पंचायत अध्यक्ष हमारी करने के लिए सक्षम में है, ये आप लोग भी देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमारी यहाँ पूनम मणि शर्मा जी प्रभारी के रूप में आई हैं, आप इनसे भी कहा। मेरा पूनम मणि शर्मा आरजेडी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं जो महिला लोग पंचायत की महिला लोग यहाँ पर जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम यही देखने इसको वेरिफिकेशन के लिए आए कि वास्तव में महिला लोग आगे काम पंचायत लेवल से लेकर जैसे प्रखंड बनाई गई है, पंचायत को बनाया गया, पंचायत को क्या करना है कि बूथ लेवल तक किस तरह काम करना है, हम इसी निरीक्षण के लिए आए हैं। और मैडम ऊपर में अध्यक्ष मैडम ऋतु जायसवाल जी को यहाँ से रिपोर्टिंग करना है कि वास्तव में मैडम लोग यहाँ पर काम कर रही हैं। इसके लिए हम इनको शुभकामना देते हैं, जिला यास्मीन जी को जिला अध्यक्ष और प्रखंड की जो बनाई है, और इनको बोलेंगे कि आप अच्छे से काम कीजिए। मेरी शुभकामना।